नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया में प्रदूषण बढ़ते ही जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है जो कि हमारे लिए, पर्यावरण के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। समय समय पर देश की सरकारों द्वारा और आम लोगों द्वारा इससे छुटकारा पाने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं और उपाय किए जा रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में जब हम आधुनिक खेती की बात करते हैं तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों का उपयोग करते हैं और समय समय पर उन्हें अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियां सरकारों द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अपने उपकरण को अपडेट करते रहते हैं। इस श्रृंखला में अगर हम ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर के इंजन को ट्रिम 4 नॉर्म्स के अंतर्गत बनाया जा रहा है और ये इंजन टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी है। तो ये ट्रिम 4 क्या है, इस इंजन में किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और इस तरह के कई सवाल जो हमारे किसान भाइयों के मन में हैं, तो इनका उत्तर जानने के लिए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार। नमस्कार। ट्रैक्टर एंड तरुण के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं ट्रैक्टर के इंजन को ट्रिम 4 नॉर्म्स के अंतर्गत बनाया जा रहा है, तो हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएंगे कि ये ट्रिम 4 नॉर्म्स क्या है और ये ज़रूरी क्यों है। ट्रिम 4 यानी ट्रैक्टर इमिशन 4 ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया नॉर्म है जिसके तहत इंजन से निकलने वाले प्रदूषण की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। इंजन से निकलने वाले धुएं में बहुत प्रकार के घटक होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, जो हमारे लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा घातक होते हैं। तो ट्रिम 4 नॉर्म्स के तहत इन्हीं घटकों की मात्रा को निर्धारित किया गया है और इससे बनने वाले इंजन को पावर टेक इंजन कहा जाता है। अच्छा, तो क्या ट्रिम 4 नॉर्म्स सभी हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के लिए लागू है? जी नहीं, ट्रिम 4 नॉर्म ये 50 हॉर्स पावर के ऊपर वाले ट्रैक्टर के लिए ही लागू है। तो इन पावर टेक इंजन में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिससे कि ये ट्रिम 4 नॉर्म्स को पूरा करता है? इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, पावर टेक इंजन ये इलेक्ट्रॉनिकली काफ़ी एडवांस इंजन है और इसे कंट्रोल करने के लिए लगा होता है ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट, और इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजीज़ है HPCR, वेस्ट गेट टर्बो चार्जर, कूल्ड EGR और DOC। काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन मालूम होता है। तो क्या आप हमारे किसान भाइयों को इन टेक्नोलॉजी फीचर्स के बारे में विस्तार से बताएंगे? सबसे पहले बात करते हैं HPCR टेक्नोलॉजी के बारे में। HPCR यानी हाई प्रेशर कॉमन रेल, ये इंजन को डीजल सप्लाई करने का काम करती है। इसमें लगा होता है हाई प्रेशर पंप और इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्टर्स। इंजन के RPM और ट्रैक्टर के लोड के हिसाब से
ये इंजन को सटीक मात्रा में डीजल सप्लाई का काम करती है। दूसरी टेक्नोलॉजी है वेस्टगेट टर्बोचार्जर, जो इंजन में कंप्रेस्ड एयर का सप्लाई करती है, जिससे डीजल पूरी तरह जलने में मदद होती है, यानी इंजन भी पावरफुल बनता है। अब बात करते हैं कूल्ड EGR टेक्नोलॉजी के बारे में। EGR मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। इसमें एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं को ठंडा करके कुछ मात्रा में फ्रेश एयर के साथ में मिक्स किया जाता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को भी कम किया जाता है। अच्छा, अगली टेक्नोलॉजी है DOC, यानी डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। ये एक प्रकार का मेटल से बना हुआ फिल्टर है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज की सहायता से होने वाले प्रदूषण को तो कम किया ही गया है, लेकिन साथ साथ इंजन को और पावरफुल बनाया गया है। जैसा कि आपने बताया, ट्रिम 4 नॉर्म से प्रदूषण तो कम ही होगा, ट्रैक्टर इंजन और भी पावरफुल होंगे। हमारे किसान भाइयों को ये भी बता दीजिए कि उन्हें और क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फायदा है HPCR टेक्नोलॉजी का, जिससे डीजल की खपत कम होने में मदद होती है, यानी इंजन और भी ज्यादा फ्यूल इफिशियंट बनते हैं। दूसरा फायदा है टर्बोचार्जर का, इसके सहायता से किसान भाई खेती के हर प्रकार के काम आसानी से कर सकते हैं। इसमें साइलेंसर के साथ दिए हुए DOC फिल्टर के कारण इंजन की आवाज काफी कम हुई है, जिसके कारण हमारे किसान भाई लंबे समय तक बिना थके हुए आसानी से काम कर सकते हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, कैसे पावर टेक इंजन की सहायता से प्रदूषण तो कम होता ही है और ट्रैक्टर की फ्यूल इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए देखते रहिए ट्रैक्टर एंड तरुण।